नमस्कार मु सिद्धांत पुनर्बार आपण मानू जीवंत आहार को स्वागत जनाए आसतु आज ध्यान निम्ते पवित्र बाइबल रु एवरी पुस्तक 9 अध्याय 11 पदरु 22 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग ख्रीष्टंक रक्त एठारे प्रकार लिखा जाए किंतु ख्रीष्ट वर्तमान उत्तम उत्तम विषय महाजाजक स्वरूप उपस्थित उपस्थित होई एही सृष्टि रु भिन्न अहस्तकृत महतर अश्रेष्ठतर तंबू दे जाई छाग और गोबस्तर रक्त नुहे मात्र आपणार रक्त घेनी एका थरके महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करियछन्ते। कारण जदि छाग और वृषमानक रक्त पुणी असुचि मानक उपरे सेचित गाभी भस्म शरीर को पवित्र करे तेबे जेउ ख्रीष्ट चिरंतन आत्मा द्वारा आपणा को निखुंत बलि स्वरूपे ईश्वर निकट रे उत्सर्ग कले ताहांको रक्त केते अधिक परिमाण रे जीवित ईश्वर सेवा करिबा निमन्ते मृत कर्मरु आंभ मानक विवेक को शुद्ध न करिबो। आउ एही कारणरु से नूतन नियमर मध्यस्थ होइछन्ति जेपरि प्रथम नियम कालीन अपराध मार्जनार्थे मृत्युभोग करा जायथिबारु आहुत लोक माने अनंत अधिकार संबंधीय प्रतिज्ञार फल प्राप्त होंते। कारण विल करा जायथिले विल करिथिबा व्यक्तिक मृत्युरो प्रमाण आवश्यक जेणु मृत्यु घटिले विल बलवत्तर हुए। कारण विल करिथिबा लोक जीवित थिबा पर्यंत ताहा कदापि कार्यकारी हुए नाही। एति निमन्ते प्रथम नियम मध्ये बिना रक्तरे प्रतिष्ठित होइनथिला। कारण मोसा लोकमानक निकटरे व्यवस्था अनुजाई समस्त आज्ञा प्रकाश कला उतारे जल लोहित वर्णमय मेसलोम ओ एसब सहित गोवत्स ओ छागर रक्त घेनी नियम पुस्तक ओ समस्त लोकंक उपरे सेचन करी कहिले ईश्वर तुम्भमानक संबंधरे जो नियम आदेश करिछंती सही नियमर रक्त एही आहुरी मध्य से तंबू और परिचर्यार समस्त पात्र उपरे सही परी रक्त सेचन कले पुणी व्यवस्था अनुजाई प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पापमोचन हुए नाही। पठित शास्त्रांशरे ईश्वर आम्भमानंकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिरो ए पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमन्ते आम्भे माने चेष्टा करिबा। जीशु पुनरुत्थान परे स्वर्गर महापवित्र स्थान को आरोहण कले आ पार्थिव महापवित्र स्थानर आवश्यक हेला नाही। एहार कारण हेउची महाजाजक जीशु थरे स्वर्गर सबुठारु पवित्र स्थान को प्रवेश कले एवं क्रूसरे ढालिथिबा रक्त सहित मानव जाति को समस्त पापरु मुक्त कले। पुरातन नियम सहित रक्त द्वारा स्थापित व्यवस्था जहाँ मृत्युर प्रतीक लोक मानक पाप केवल पशुक रक्त द्वारा परिष्कार हेबार व्यवस्था थिला। अवश्य इस्राएलीय माने रक्तर एही चुक्ति भंग करि पापर पथ को चलीगले एथिजोगु ईश्वर सेमानंकु एक नूतन नियम देबापाई मनोनीत कले जहाँ केबे भी भंगा जाई न पारे एवं जीशु एही नियम आरंभ कले एवं ताहांको मृत्यु और क्रूश उपरे रक्त ढाली सफल कले। आजर शास्त्रांश रे जीशु ख्रीष्ट किए अटंती आसंतु आम्भे माने देखिबा को चेष्टा करिबा। 14 पद अनुसारे आमको पवित्र करिबा पाए प्रभु जीशु अपना जीवन देले। जीशु निज रक्त रे बलिदान द्वारा आनीथिबा आश्चर्यजनक परित्राण पवित्र आत्मांक सहायरे आम हृदय को परिष्कार करिबो एवं आम जीवन सहित ईश्वरंक सेवा द्वारा प्रकाशित हेबो। आपण क्रमागत भावरे पवित्र हेबाकु चाहुछंती कि जहा कि जीशुंक रक्त द्वारा हासिल करा जाई पारे एक नूतन नियमर उत्तराधिकारी अर्थात परित्राण पाइबाकु
ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଯୀଶୁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଭାର ନିଜେ ବହନ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇପାରିଲୁ। ଆମ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭରସା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବଳିଦାନ, ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଇ ଆମେମାନେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ, ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧିତ ହୋଇନପାରେ। ହଁ, ଆଜି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମରି ପାତିତ ରକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ସେହିପରି ସେହି ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।